हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बास्केट चाट की यूनिक रेसिपी, जो सिर्फ नाम से बास्केट चाट नहीं है, इसके पूरे लुक में आपको बास्केट मिलने वाला है। तो आज हम बताएंगे आपको ये जालीदार बास्केट बनाने का बहुत ही यूनिक तरीका, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। और आप ये बास्केट अलग से पहले से बना के रख सकते हैं, कम से कम आप इसको 10-15 दिन आराम से स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे आप बनाएं, ये हमेशा क्रिस्पी बनी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं बास्केट चाट। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, तो हमने ले लिया है मैदा। उसमें हमने थोड़े से मसाले मिक्स किए हैं, मंगरेल, जीरा और अजवाइन, और थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाल के इसको गर्म पानी से एक टाइट डो तैयार कर लिया है। और इसको हम रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए। फिर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं और इनको हम रोटियों की तरह पतला बेल लेंगे। तो बहुत पतला नहीं बेलना है, बस हमें जितनी रोटियां हम बनाते हैं उतना पतला बेल के इनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में हमें कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इनको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। और ऐसे ही हम सारी अपनी लोइयों को बना लेंगे। उसके बाद हम कटोरी में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद स्ट्रिप्स को देखिए हम क्रॉस करते हुए ऐसे 4 स्ट्रिप्स को हम ऐसे चिपका लेंगे आपस में। और उसके बाद एक स्ट्रिप को उठाते हुए ऊपर से और दूसरे स्ट्रिप के नीचे से करते हुए हम इसको ऐसे पूरी तरह से जालीदार बास्केट की तरह तैयार कर लेंगे। तो जहां हमारा स्ट्रिप ख़त्म हो जाता है वहां हम दूसरा वहां पर जोड़ लेते हैं थोड़ा सा पानी लगा के। और फिर हम इसको ऐसे ही एक स्ट्रिप के ऊपर और नीचे से करके पूरी तरह से हम बास्केट की तरह इसको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम ऑयल गर्म करके इस कटोरी को प्लेस कर देंगे अपने ऑयल में। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। तो आप देखिए, ये पूरी तरह से बास्केट की तरह तैयार हुआ है। बिल्कुल जैसे आप टोकरी देखते हैं उसी तरह से ये जालीदार तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी है, इसको आप स्टोर कर सकते हैं आराम से 10-15 दिन, ख़राब नहीं होगा। और जब आपका मन करे तो आप इसमें अपनी मनपसंद चाट बना के खाइए, आलू चाट, मटर चाट, छोले चाट, जो भी आप इसमें डालना चाहें। तो मैंने आज बनाए हैं मटर के छोले, तो मैं इसमें सर्व कर रही हूँ मटर के छोले। तो आप चटपटे छोले बनाइए, कुछ चाट मसाला डालिए, दही, इमली की चटपटी चटनी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया, प्याज और हरा मिर्चा डालेंगे, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा भुजिया सेव और मैदे की थोड़ी सी क्रिस्प नमकीन। तो बस हमारी बास्केट चाट है बनके बिल्कुल रेडी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।